यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अच्छा, दो तीन मैं वर्ड्स यहाँ लिखूंगा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। जैसे सपोज मैं डाई लव्स लिखता हूँ ना, अब आपको पता है कि डाई जो है, डाई फार लेता है या ऑफ, डिप्राइव ऑफ लेता है या फार, अक्यूज ऑफ लेता है या फार, डिफरेंट लेन लेता है या फ्रॉम या टू। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं इसी तरह, रेफरेन है, रेफरेन फ्रॉम लेता है, रेफरेन फ्रॉम लेता है या देन लेता है या टू लेता है। इसी तरह एब्सटेन फ्रॉम लेता है, देन लेता है या टू लेता है। तो ये चीजें हम आज सीखेंगे, ठीक है? तो इन इन पे हम आज डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अब नजर साहब का नजर कमजोर है, मैं उनकी वीडियो बंद करूं, उसके बाद हम चलते हैं। तो हाँ, रवीना आ गई है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या लेंगे। ब्रदर साहब की वीडियो बंद करता हूँ, फिर खोलता है। तो इस तरह होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट हम कर इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आते हैं, अब देखते जाएं आप। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब देखें, लाए है ना, लाए, ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये सीरीज है आपकी। अब यहाँ पे देखें, ही हैज ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड फॉर या टू, ऑर्डर फॉर या टू या नन ऑफ देम, ऑर्डर फॉर टी, ही हैज ऑर्डर फॉर, अच्छा ऑर्डर फॉर सही, ऑर्डर फॉर टी, नो प्रीपोजिशन, अच्छा सही। तो चलें हम सीखेंगे, सीखते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर फॉर कह रहे हैं ज्यादा बच्चे, ही हैज गिवन ऑर्डर, वी हैव डिस्कस डिस्कस अबाउट फॉर टू या नन ऑफ देम, वी हैव डिस्कस्ड, डिस्कस में क्या होगा, अच्छा हाँ अबाउट, सही जबरदस्त। तो डिस्कस के साथ हम अबाउट लगाएंगे, सही, ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, अच्छा अबाउट, शीरिंग कह रही है अबाउट, सही जबरदस्त। अब 99% लोग जो है डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं, 99% लोग डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं, हालांकि डिस्कस के साथ कोई भी प्रपोजिशंस नहीं आती, ठीक है? डिस्कस के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। और अगर आप ऑर्डर जो है, ऑर्डर एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो इनके साथ ऑर्डर एज अ वर्ब आपकी प्रपोजिशंस नहीं आएगी। तो ही हैज ऑर्डर्ड टी, अगर आप एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, इसी को एज अ नाउन, देखिए गिवन, जब आप गिवन ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, ही हैज गिवन ऑर्डर, तो उसके बाद आप यहाँ पे फार लगा सकते हैं। जब एज अ, अब आप उसको एज अ नाउन इस्तेमाल करें, ऑर्डर गिव दे रहे हैं ना, गिव ऑर्डर, फार अब आएगा, ही हैज ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही हैज गिवन मी एन ऑर्डर फार टी, हाँ तो इस तरह होगा, हाँ डिस्कस में नहीं आएगी, बिल्कुल सही। इसी तरह डिप्राइव, डिप्राइव किसी से महरूम करना, डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव फ्रॉम, तो डिप्राइव जब भी आपका लफ्ज इस्तेमाल होगा, किसी को किसी चीज से महरूम करना, किसी से चोर, किसी से छीन लेना, चोरी करना, ठीक है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, आपका होगा प्रेपोजिशन ऑफ, तो हम ऑफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया? तो डिप्राइव आप, इसी तरह डिवोर्ड लफ्ज है, डिवोर्ड की भी सेम मीनिंग ये, ठीक हो गया? तो डिवोर्ड के साथ भी आफ लगाएंगे हम। स्मोकिंग, स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानकार है, तो ये ज्यादातर सवाल आता है स्मोकिंग वाला, हाँ फिक्स 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 बता रहा हूँ, फिक्स बता रहा हूँ भाई जी बेटा। तो अब आते हैं, अब आप देखें यहाँ पे स्मोकिंग, स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग फॉर हेल्थ, अच्छा फॉर हेल्थ,
स्मोकिंग इज इंजूरियस फार, फार नहीं होता भाई, टू होता है अल्लाह के बंदो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फार नहीं होता। लोग फार डालते हैं, ये लोग फार डालेंगे, कोई मसला नहीं है, तभी तो फेल होंगे ना भाई। फार डालेगा जो भी बच्चा फार डालेगा वो पास थोड़ी होगा, वो तो खुश होगा मैं फार डाल के आया हूँ, मजे हो गए। तो जब रिजल्ट आएगा तो उसमें टू होगा, की में टू होगा, तो वो खुश होगा तो मैंने फार डाला है। टीचर को भी प्राउडली बताएगा कि सर देखे मैंने जबरदस्त किया है। तो मेरे जैसे चरिए टीचर को बताएगा तो मैं तो कहूंगा कि भाई अभी मैं क्या बताऊं तुम्हें, डिस्करेज करना भी नहीं है बच्चे को किसी को। चलें भाई, ही वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड जो वर्ड ऐसा है, तो ये भी आपका हाँ साथ साथ लिखते, मैं नीला करता जा रहा हूं ना बेटा, नीला करता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाए ना, नीला करता जा रहा हूं, तो नीले वाला आपको पता है कि वो उसमें आएगा। चलें भाई आगे चलते हैं। ही वाज अक्यूज ऑफ मर्डर, तो गिल्टी अगर आप लगाते हैं, अक्यूज लगाते हैं, गिल्टी 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 के लिए भी आपका गिल्टी अक्यूज ये ऑफ लेंगे। ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, फार नहीं। ही इज अक्यूज ऑफ मर्डर, फार नहीं। इसी तरह ही इज अपोलोजाइज्ड विद मी टू मी एट मी विद मी। स्क्रीनशॉट लेते जाएं बेटा, स्क्रीनशॉट, पीडीएफ ये नहीं है ये, इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद काम करें, ठीक है? स्क्रीनशॉट लें, रजिस्टर बनाएं, ये फोटो वोटो निकाल लें, ये इस तरह आप ये गुम हो जाएगा। एक बड़ा रजिस्टर लें, उस पे लिखें, ये मेरी क्लास के बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखना है, राइटिंग में काम करना है। वो नहीं होगा कि आप जो है हाँ हाँ बनाएं, बस उस पर काम करें। अब ये मुझे काम ना दें कि आप इसका पीडीएफ बनाएं और आपको मैं फिर बाद में भेजूं। हाँ समझ आ गया आपको? तो इसका स्क्रीनशॉट लें, रजिस्टर बनाएं, बिस्मिल्लाह करें, काम करें। अपोलोजाइज टू, टू प्रेपोजिशन लेगा भाई, अपोलोजाइज टू। ही इज एंग्री, एंग्री में क्या आएगा? एट मी, विद मी, ऑन मी। शाबाश, एंग्री क्या लेगा भाई? अच्छा एंग्री विद मी, चलें भाई विद लगाते हैं, नादिया ऐड करिए। अच्छा सही सही, तो एंग्री किसी बंदे के साथ विद लेगा भाई। ही इज एंग्री विद माय बिहेवियर या ऑन माय बिहेवियर या एट माय बिहेवियर। शाबाश, इसमें क्या आएगा? With his behavior, on his behavior, at his behavior या none of them, क्या सही है इसमें? क्या बात बताएं? अच्छा ठीक हो गया, तो चलें भाई गुड, एट हो गया। फरा फरा कह रही है कि आन आएगा, आन नहीं आएगा बेटा, एट आएगा, आन नहीं आएगा मौजम भाई, एट आएगा। किसी बंदे के साथ आप होंगे तो आप एट लगाएंगे, ठीक है? बिहेवियर के साथ, बंदे के साथ विद, बिहेवियर के साथ एट। अच्छा, शी हैज रीच्ड एट विद ऑन या नन ऑफ देम। शाबाश बताएं। अच्छा एट द अकेडमी, शाबाश जबरदस्त गुड। आयशा, रवीना, मुस्तफा, मौजम, फरा, तनवीर, नबीला, जबरदस्त वेरी गुड, आलिया, अरशद, नादिया, इलियास, मलहा। हाँ नादिया, इलियास, मलहा, नन ऑफ देम कह रही है कि एक बंदा कह रहा है नन ऑफ देम, बाकी सारे तो प्रेपोजिशन डाल रहे हैं। तो देखें 90% प्लस जो रिजल्ट है ना, तो इस तरह आएगा आपका। तो जो रीच है ना बेटा, रीच आपकी कोई भी प्रेपोजिशंस नहीं लेता। ही हैज रीच द अकेडमी, एट नहीं होगा, नहीं होगा ना भाई, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप सारे एट एट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रीजन बताऊं इनका, रीजन
इसका रीजन बताएं भाई, रीजन क्या हो सकता है? आपका नाम, आपका नाम क्या है? अपना सेरिश नाम क्यों है? ये रूल्स है ना भाई, ये रूल्स है बेटा। इसका रीजन ये है कि ये रूल है। हाँ, इसको रूल कहा जाता है। इसका रीजन नहीं है कोई भी, ये रूल है। जैसे आपका नाम अगर पूछा जाए कि सेरिश खलील क्यों रखा गया है, आपका नाम सबा क्यों नहीं रखा घर वालों ने, तो वो कहेंगे हमें पसंद था। भाई क्यों पसंद था? और नाम रखते ना, क्यों पसंद था? हाँ नहीं ना, तो मैं घर वालों से कहूं भाई मेरा नाम रशीद क्यों रखा है आपने, रूल बताएं, कोई रूल है रशीद नाम क्यों रखा? आसिफ रखते, जंजुआ रखते, कोई ऐसा कोई नाम रखते, गुड्डू रखते। बस याद करें भाई, याद करें कि रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। बस ये बात आप जहन में रख लें। और देखें आपका जो क्या कहते हैं कि अकल जो है ना, अकल, अकल कहाँ से आती है? रटा लगाएं, हाँ रटा लगाएं, धक्के खाने से अकल आती है, बादाम नेजा पिस्ते से नहीं आती। टाइम देना पड़ेगा, गर्मी में बैठना पड़ेगा, बगैर पैसे एसी के काम करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो इस तरह आपको इंशाल्लाह आ जाएगी अकल, आ जाए सबको आए। मेरे मैं मुझे भी ऐसे आए थे, ठीक है ना? तो ये हो गया, मैंने भी धक्के खाए हैं, बहुत धक्के खाए हैं। चलें भाई चलें, आगे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाए, अब ये तो कि लाए है ना, झूठ बोलना, ही हैज लाइड। अब इसमें क्या आएगा, विद आएगा, टू आएगा या नन ऑफ देम? वो मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे। तो अब आप देखें इस तरह आपको आएगा ना, ये तो प्रेपोजिशंस आएंगी कि क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा, तो आपको पता होगा कि भाई किसी के साथ झूठ बोलना। वैसे तो उर्दू कहेंगे तो विद आएगा, लेकिन उर्दू उर्दू को छोड़े, आप अंग्रेज कह रहा है कि लाए के साथ टू लगाएं, तो प्रेपोजिशन टू होगी आपकी बस। और एज अ वर्ब लगाएंगे तो ही टेल्स अ लाए, ही टेल्स अ लाए आप कहेंगे। हाँ हाँ रिलेटेड है, बिल्कुल सही। चले मैं बताता हूं आपको किस तरह होगा। यहां पे आते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझें। ही टेल्स अ लाए आएगा, और यहां पे आए, ये जो लाए है रेस्टिंग पोजीशन में इस्तेमाल होता है, इसका सेकंड फॉर्म ले है और ये थर्ड फॉर्म लेन है। इसका झूठ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये है रेस्टिंग पोजीशन में, आराम की पोजीशन में हो। लाए, झूठ भी लाए, एल आई ई भी, वो भी एक ही है स्पेलिंग उसकी, लेकिन मैं समझाऊंगा कि उसका लाइड होगा, इसका ले और लेन होगा, थर्ड फॉर्म सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। और ये ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, प्रेपोजिशन मुश्किल आती है। नौकरी इस तरह प्लेट में मिलके ऐसे नहीं आएगी, बेटा खाएं, वो अम्मी देती है प्लेट में डाल के, बेटा मेरे बेटा, बब्बू बब्बू मेरे बबलू, तो वो अम्मी होती है। इनके पास कात होते हैं, बड़े बड़े कुहाड़े इनके पास होते हैं, कुहाड़ों से ये जो है ना पेपर चेक करते हैं। नजर भाई की वीडियो का पता नहीं क्या, एक तो डार्कनेस में बैठा हुआ है, नजर भी नहीं आ रहा, नाम भी नजर है, नजर भी नहीं आ रहा। चलें भाई, तो लाए देखें, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। माय फादर लाइज ऑन बेड, माय फादर ले ऑन बेड, माय फादर हैज लेन, तीनों प्रेपोजिशंस मैंने इस्तेमाल किए। आप एक मैंने लाइज लिखा, उसके बाद सेकंड फॉर्म पास में, मतलब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है तो आप ले लगाएंगे, लाइड नहीं लगाएंगे। माय फादर लाइड, वो झूठ हो जाएगा, अब उन्हें झूठ बोला, आप ले लगाएंगे, माय फादर ले। उसके बाद है माय फादर हैज लेन, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है, चुका है बेड पे, चुका है, तो इसका चुका होगा। भाई नजर भाई तुम्हारी क्या है, वीडियो को क्या मसला है, तुम्हारी वीडियो बंद क्यों नहीं हो रही भाई, क्यों खोल रहे हो वीडियो यार? एक तो खूबसूरत भी इतने नहीं हो कि तुम्हें देखा जाए, एक होता है ना बंदा खूबसूरत हो उसको देखा जाए कि भाई यहाँ शक्ल भी अच्छी है,
मेरी तरह तुम भी ऐसा ही हो, तो फिर तो वीडियो भी खोली हुई है, तो इस तरह ना करो ना यार, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सर आवाज नहीं आ रही, सर इस तरह ना करें, सर आवाज नहीं आ रही। चलें भाई, अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड फॉर्म है, ही इज लाइंग टू मी, ही इज लाइंग टू मी, झूठ बोल रहा है। और दूसरा जो लाए है ना, लाए वो रेस्टिंग पोजीशन में, अगर उसका अगर आप इंग फॉर्म में डालेंगे ना, तो वो भी इसी तरह होगा, ही इज लाइंग ऑन द बेड और ही इज लाइंग टू मी, दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे इशू है, बच्चे को इशू होगा यहाँ पे, सर ये किस तरह हो गया, वो भी फर्स्ट फॉर्म भी लाए है और ये भी, इस तरह तो नहीं होगा ना, इस तरह तो आप हमें ना पढ़ाए। चलें भाई, और दूसरा ये तीसरा जो फार्मूला है, ये ले वर्ब है, और इस ले का जो सेकेंड फॉर्म है वो लेड है, हम टू पुट समथिंग जेंटली, किसी चीज को आराम से रखना, इस तरह जैसे कायदे आजम ने लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फाउंडेशन रखा, तो लेड लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको और क्लियर करूंगा, जैसे ये जो है ना, रिपीट करता हूँ, ये सबसे मुश्किल अपना प्रेपोजिशन है और ये ज्यादातर प्रेपोजिशंस आती हैं पेपर में। अब यहाँ मैंने आपको बताया, ये आपका वर्ड है लाए, और इसका सेकेंड फॉर्म लाइड, और थर्ड फॉर्म आपका भी लाइड होगा, तो ये प्रेपोजिशंस लेगा टू, अगर वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो लाइड टू प्रेपोजिशंस लेगा, ये मैंने इस्तेमाल किए। ठीक हो गया, और अगर आप इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आ आएगा, ही टेल्स अ लाई। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पे स्पीक लफ्ज दिया जाता है, स्पीक भी फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता है आपका, कि स्पीक आएगा या टेल आएगा, तो झूठ बोलने के लिए हम स्पीक इस्तेमाल नहीं करते, हम टेल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ही टेल्स अ लाई, स्पीक्स नहीं आएगा, बस ये आप समझ लें, ये भी आता है, तो भी सारी चीजें आपको, हाँ, ही स्पीक्स अ लाई नहीं होगा, ही ये नहीं आएगा, इसको मैं काट देता हूँ, ही टेल्स अ लाई होगा आपका, ये वाला आएगा। और इसी लाए को, ये वाला जो लाए है, ये वाला लाए, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसकी मीनिंग है रेस्टिंग पोजिशन में, उसका झूठ है, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म है ले है और लेन है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म झूठ की और इसकी एक ही है। थोड़ा सा समझे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, माई फादर लाइज, माई फादर ले, और माई फादर हैज लैन, तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अभी उसके बाद आते हैं, अगर इसी को आप कन्वर्ट करेंगे फोर्थ फॉर्म में, इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे फिर फोर्थ फॉर्म में, झूठ को भी और सोने को भी, रेस्टिंग पोजिशन में भी, तो इसका जो फार्मूला होगा, जो फोर्थ फॉर्म होगा वो सेम होगा, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिखा लाइंग और इसी को भी लिखा लाइंग। अच्छा, ये जो वर्ड है ये बिल्कुल अलग है, ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और मसला है, कौन सा मसला है, ये यहाँ पे वर्ब है, मतलब किसी चीज को जेंटली रखना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कायदे आजम ने पत्थर 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 मतलब बुनियाद रखा, ये वैसे मैं पत्थर कह रहा हूँ, पत्थर ऐसे उठा के रखा, ऐसे पत्थर नहीं, मतलब बुनियाद रखने को कहा जाता है, किसी चीज को जेंटली आराम से इस तक करके रखना, तो हम कहेंगे ले। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे लेड सेकेंड फॉर्म, और आगे चलते हैं जेंटली लेड द फॉर्म, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देर इज लॉट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज प्रेपोजिशन आपका लेगा इन, देर इज लॉट ऑफ इंक्रीज, अगर इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज, तो इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे, देर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, देर इज इंक्रीज इन अमाउंट, वी हैव इंक्रीज द फी, वी हैवेंट इंक्रीज द फी, बेसिकली वी हैवेंट इंक्रीज द फी, देर इज नो इंक्रीज इन द फी, एज अ नाउन होगा तो आपका इन आएगा, अगर एज अ वर्ब होगा तो आपकी प्रपोजिशन नहीं आएगी, बस इसको थोड़ा सा समझें, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेज़े पिस्ते बादाम खाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अटेंशन दें, आपको प्रपोजिशंस बाकायदा खिलाड़ी बना दूंगा मैं, खिलाड़ी बन जाएंगे प्रपोजिशंस के। हाँ, रूल समझ दें, ये देखें, द प्राइसेस ऑफ फूड आर इंक्रीजिंग, बस
इज अ वर्ब भाई, ये इज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, ये इज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन इन आएगा। अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, देखें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। एज अ वर्ब गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द प्राइसेस ऑफ, नो प्रेपोजिशन। और अगर यहाँ पे आप आते हैं गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड डिसीशन के साथ प्रेपोजिशन ऑन आएगा। There is an imposition of decision. Decision noun यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपका on आएगा। Imposition on closing of shops due to COVID-19 की वजह से decision लिया है government ने कि बंद करो सब कुछ, इदारे विदारे हर चीज बंद करो, ठीक है ना। तो हर चीज बंद करने के लिए government कह रही है कि भाई बंद करो सब कुछ, नहीं चलाने हमें कोई इदारा। चलें भाई, ही वॉज इम्प्लीकेटेड, किसी को इन्वॉल्व करना किसी चीज में, प्रेपोजिशंस लेगा इन, तो ये इम्प्लीकेट इन्वॉल्व का अदर वर्ड है, किसी को किसी केस वगैरह में फसाना, फसाने को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू एक तो मेरी बहुत बुरी है बदकिस्मती से, तो बस वो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फसाना उर्दू में मुझे नहीं पता कि फसाना कहते हैं, उर्दू बंदा बताएगा ना कि क्या, लेकिन सिंधी में फसाण जब उससे मैंने निकला फसाना। एक होता है फिसना, एक फिसना मतलब वो पानी में क्या कहते हैं, रेन वाटर में ऐसे गिर जाना, उसको फिसना, ये फसाना है। हाँ इम्प्लीकेट, हाँ स्लिप, वो अलग अलग चीज है। इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब है फिसलना, फिसलना, बिल्कुल सही कह रहे। इम्प्लीकेशंस मतलब असरात, implications, implementation अलग है, ये नीचे मैंने लिखा है, implementation आपका अलग है। Sometimes आपका word आता है, sentence आता है, उसमें तीन चार words दिए जाते हैं, इस तरह implications भी होगा, implementations भी होगा। कि पाकिस्तान constitution, हाँ पाकिस्तान constitution was implicated या implemented, तो नीचे options होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंट वर्ड अलग है और इम्प्लीकेट वर्ड अलग है, ये दो चीजें अलग है। इम्प्लीकेट किसी को फंसाना, किसी चीज में इन्वॉल्व करना, और इम्प्लीमेंट का मकसद होता है कि क्या करना, अमल दरामद करना। यहां मैंने मीनिंग लिखी है, ये देखिए आप, अमल दरामद करना और उसको अपना इम्प्लीकेशन असरात, ठीक है, और इम्प्लीकेटेड फंसाना। चलें भाई, अब यहां पे आते हैं, द कोल्ड हैज अफेक्टेड, कोल्ड हैज अफेक्टेड, यहां पे देखेंगे अफेक्टेड हमने लफ्ज लिखा ना, तो अफेक्टेड के साथ यहां पे आन है, यहां पे टू है, और यहां पे फार है, और यहां पे नन ऑफ देम है। तो अब आप देखें, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अफेक्ट एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो प्रेपोजिशन होगी वो नन ऑफ देम होगी। अगर आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, एज अ वर्ब ए वाला, ई वाला अलग है, ई वाला भी बताता हूँ आपको, ई वाला किस तरह होगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है देयर इज एन अफेक्ट, ई वाला जो है, ये वाला आपका नाउन है, इसको हम नाउन कहते हैं और इसको हम कहते हैं वर्ब। ए वाला वर्ब है और ई वाला नाउन है, बस इसको समझे। तो ई वाला जो है ये प्रेपोजिशंस लेगा आन, और जो ए वाला है वो प्रेपोजिशन नहीं लेगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। चले इसी तरह इग्नोरेंट लफ्ज है, इग्नोरेंट आपका ऑफ प्रेपोजिशंस लेगा, आराम से इस्तेमाल करेंगे, ही इज इग्नोरेंट ऑफ एजुकेशन। मेनी वुमेन इन रूरल एरियाज आर इग्नोरेंट ऑफ The importance of education, ignorant of the importance of education, तालीम की उनको importance का पता नहीं है, वो ignorant है, मतलब उनको पता नहीं है, मालूम ना होना किसी चीज का। आगे चलते हैं, इसी तरह ignorant में of लगाया, schedule of lecturer in English, और यहाँ पे भी मैंने एक, many women are ignorant of the true spirit of education, तालीम के बारे में पता ना होना। द गर्ल्स हु बिलोंग, अब बिलोंग यहाँ पे फ्रॉम लगाते हैं, लोग ज्यादातर फ्रॉम लगाते हैं, हालांकि ये मैंने लिख लिया है कि यहाँ आप बिलोंग टू लगाएंगे तो ये बिलोंग के साथ आपका जो प्रेपोजिशन होगा
जो सही प्रेपोजिशन होगा, हाँ, तो टू आएगा। ताल्लुक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू, द गर्ल्स हु बिलोंग फ्रॉम, नहीं, बिलोंग टू। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स प्रेपोजिशंस में आते हैं। तो आपको कैश करना है, कैश करना है अपनी मार्क्स, सारे की सारी मार्क्स आने चाहिए, 20 की 20 मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जितनी मार्क्स होंगी सारी मिलेंगी। चले, मेनी अ वुमेन ऑफ पाकिस्तान। अब मेनी अ, अगर आप लव यहाँ पे लव्ज इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपका इज आएगा, मेनी अ वुमेन ऑफ, मेनी अ, यहाँ देखें मेनी के साथ हमने अ लगाया, ये एक स्ट्रक्चर है, मेनी के साथ अ लगाना, मेनी अ गर्ल, मेनी अ वुमेन, मेनी अ पर्सन, पीपल ना, अ पर्सन, मेनी अ पर्सन, मेनी अ टीचर। हाँ, वुमेन तो ऑलरेडी सिंगुलर है, लेकिन ये इसकी वजह से सिंगुलर आया है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, इज इग्नोरेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मेनी अ। इसी तरह मेनी अ गर्ल इज आएगा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मैसेज, सिंगल को फोकस करना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेनी अ गर्ल इज, मेनी अ गर्ल से नहीं आएगा, मेनी अ गर्ल्स नहीं आएगा, मेनी अ गर्ल इज। इसी तरह अगर आप अ नहीं लगा रहे तो आप सिंपल लगाएं, मेनी गर्ल्स आर, बिल्कुल एग्जाम्पल, मेनी बॉयज आर, अ नहीं लगाएं। अगर आप अ नहीं लगा रहे तो आप कहेंगे मेनी गर्ल्स, मेनी बॉयज, ठीक है? तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, तो ये आपका सेंटेंस आसान हो जाए। होती है प्रेपोजिशन में, प्लीज उसका भी समझाएं। ये नहीं समझाऊं, ये जो समझा रहा हूं ये नहीं, 18 और हाँ वो नहीं, ये जो समझा रहा हूं अभी, ये नहीं समझाऊं भाई, मैं आपको सारी प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, सारी प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें, सारी प्रेपोजिशन। कभी जिंदगी में जो ना किसी ने पढ़ाई वो रशीद मीरा नहीं पढ़ाएगा। आपके सवालों, आप जो सोचते हैं ना, मैं उसी तरफ लेके चलता हूं, आप सोचे मैं पढ़ाऊं, आप सोच के बैठे हैं रशीद पहुंच गया, मजे की बात है। गर्ल्स के साथ मैंने क्यों आ रहा है, गर्ल के साथ क्यों आ रहा है, मैंने मैं बता रहा हूं ना भाई, मैंने बता रहा हूं ना बेटा, मैं समझा रहा हूं आपको, फरा बेटा समझें, आप समझें समझें, इस तरह ना करें ना, समझें, अम्मी को बताऊंगा, नहीं पढ़ रही है, कहती है कि मैनी के साथ तो पिल्लू लड़ाता है, अम्मी को बताऊंगा। चलें, और टीचर बच्चों को नहीं समझा सकते ना, कहते हैं कि अम्मी को ले आना, टीचर जो फीमेल टीचर्स होती है ना स्कूलों में पढ़ाती हैं, वो कहती है अम्मी को, अब अम्मी क्या करेगी भाई, बच्चा है इसके, देखो ना इसका क्या मसला है, अम्मी क्यों आए, मैं बता रहा हूँ सारी सारी, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ, अल्लाह के पंतो समझा रहा हूँ आप लोगों को। इस वजह से मैं कहता हूँ ना, फेसबुक के लाइक्स और कमेंट्स ना देखें, अभी इधर देखें रशीद क्या पढ़ा रहा है, उधर देखेंगे लाइक्स और कमेंट्स, वैसे लाइक कोई नहीं करेगा आपको फेसबुक पे, ये भी कंफर्म है, और ये बेहतर है कि इधर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? चलें भाई, तो यहाँ पे देखें, मैनी के साथ हम दो फार्मूले लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ, मैनी के साथ दो रूल हैं, दो रूल मैनी के साथ हैं। एक, मैनी के डायरेक्ट बाद अगर आप अ लगाएंगे ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा, आगे वाला नाउन, मैनी के डायरेक्ट बाद अगर अ लगाएंगे, समझे, थोड़ा सा समझे, मैं समझा रहा हूं आपको, मैनी ऐसा वर्ड है जो अ भी लेता है, मैनी अ गर्ल हैज, बिल्कुल, जो अ भी लेता है, अगर आप अ नहीं देते, अगर आप कहते मुझे अ नहीं डालना, बस जिद करके बैठ गए हैं आप, आपने जिद की है कि मुझे नहीं डालना अ, तो नहीं डालना तो पिलुलर डालें, इस तरह नहीं होगा कि आप अ भी डालें और पिलुलर भी डालें, इस तरह आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये अंग्रेजों का रूल है तो रूल को फॉलो करना है, वो कहता है या तो मैनी गर्ल्स कहो या मैनी अ गर्ल कहो, इस तरह नहीं होगा कि मैनी भी अ भी डालूं और गर्ल्स भी डालूं, इस तरह तो नहीं होगा ना भाई, मैनी अ गर्ल्स का मतलब भी सेम है, मैनी अ गर्ल का मतलब भी सेम है, मैनी गर्ल्स का मतलब भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रूल थोड़ा सा डिफरेंट। देखें, एक बच्चे का नाम गुड्डू भी है,
बबलू भी है और आसिफ भी है, तीन नाम है। गुड्डू अम्मी गुड्डू बोलती है, अब्बू बबलू बोलता है और स्कूल में वाली आसिफ है, तीन नाम। तो अब आप मुझे बताएं कि इसके तीन नाम क्यों हैं? हाँ समझाता हूँ, सारे समझाऊंगा भाई, सारे समझाऊंगा, आप टेंशन ना लें। यहां आप आ गए ना तो अंग्रेजी, आप अंग्रेज होके जाएंगे, यहां से अंग्रेज होके जाएंगे आप, समझ आ गया ना? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे समझ आएगा। दुआ करते हैं फरा के लिए, सारे मिलके दुआ करें कि जल्दी जल्दी समझ आ जाए। चलें भाई, उसके बाद आते हैं मेनी अ गर्ल। मेनी अ गर्ल इस तरह ऑप्शंस आएगा, तो मेनी अ गर्ल में ऑप्शंस आएगा तो यहाँ वाज डालना है, बस वाज डालना है। अगर मेनी गर्ल्स आ जाएगा तो वर डालना है, लेकिन मेनी अ गर्ल है। चलें आगे चलते हैं। I will meet में क्या आएगा? With आएगा, to आएगा, with आएगा, to आएगा, या कोई भी नहीं आएगा? शाबाश बताएं, शाबाश 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 शाबाश, अच्छे बच्चे, जल्दी करें, जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, 10-10 रुपए जल्दी। None of them, अच्छा none of them। चलें भाई, अगर आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में हैं तो अमेरिका वाले विद लगाते हैं, अमेरिकन यहां पे मैंने लगाया है ना, मामरी का विद लगाता है। स्लाइड शो नहीं हो रही। चलें भाई, फरा के लिए आपने दुआ की तो उसको, अब आपकी ऐसी दुआ है उसको स्लाइड ही शो नहीं हो रही, आप लोगों को हो रही है, आप लोगों को हो रही है, उनको नहीं हो रही, हो रही है, हो रही है, इस तरह ना करें ना, हो रही है, सबको हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो रही है नहीं, हो रही है, हाँ हो रही है। चलें भाई, तो यहाँ जो बर्तानिया है, बर्तानिया में आपका नन ऑफ देम होगा, हम इस्तेमाल नहीं करते आई विल मीट माई फ्रेंड, बस कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अमरीका अगर आप सुनेंगे ना, अमरीका विद लगाएंगे, जैसे कलर में यू लगाते हैं, फेवर में यू लगाते हैं, लेकिन बर्तानिया वो लगाते हैं वो नहीं लगाते, इसी तरह ये झगड़ा चल रहा है इन लोगों का। कलर में अगर आप देंगे यू देंगे तो गलतियां होगी, लेकिन यू काटेंगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है, इसी तरह फेवर में कलर में, तो इस तरह झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये सवाल आएगा नहीं आपका पेपर में कि विद डालना है या नहीं डालना, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये डालते भी हैं नहीं भी डालते, ठीक है, नहीं नहीं ये सवाल ही नहीं आएगा, ये नहीं है, चर्या होगा ना वो सवाल देगा। लेकिन फिर हम अमेरिका को फॉलो नहीं करते, हम बर्तानिया को फॉलो करते हैं, कलर में यू देते हैं हम, लेकिन अमेरिका कलर में यू नहीं देता, हम देते हैं फेवर में यू देते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं देता। हाँ आ जाए तो आपको नहीं देना, एसपीएससी वाले अगर देंगे तो नहीं डालना, बस आप मेरा नाम लिखना ब्रैकेट में बाय सर रशीद। हाँ बर्तानिया को फॉलो करते हैं, ब्रैकेट में मेरा नाम लिख के आना, वहां पे एमसीक्यूज हो ना, बाय सर रशीद, टाट बाय सर रशीद, बस वो समझ जाएगा कि सर ने पढ़ाया इसको, बस पास कर दो। चलें भाई आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें, ही इंसिस्टेड हिज सिस्टर, तो इंसिस्टेड समबडी ऑन, ऑन प्रपोजिशंस लेगा, इंसिस्ट ये जो वर्ड है ना ये ऑन लेगा, और यहाँ पे इंग फॉर्म, ही इंसिस्टेड हिज सिस्टर ऑन वर्किंग हार्ड, इंसिस्ट समबडी ऑन, क्लियर? चलें भाई, he is informed, informed ये वाला preposition, ये वाला sentence सही है, he is informed to me, या गलत है? शाबाश बताएं, अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट मेरे, हाँ इस तरह मेरा नाम लिख के आना। हाँ तो इसमें देखें, रोमा कह रही है कि सही है, नादिया कह रही है कि गलत है। अब ये ऐसा वर्ड है, ये देखें, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल किया गया है, एज अ इनफॉर्म वर्ड किया गया है, तो यहाँ पे आपका टू इस्तेमाल नहीं होगा, ही इज इनफॉर्म्ड मी, टू नहीं होगा, ही इज इनफॉर्म्ड मी, तो इस तरह होगा, टू नहीं आएगा आपका। ही हैज इन्फ्लुएंस एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑन आएगा, ही हैज इन्फ्लुएंस ऑन हिज फ्रेंड, इनफॉर्म टू मी नहीं होगा भाई, ही हैज इन्फॉर्म्ड मी, He has given information to me, फिर होगा,
ही हैज गिवन इंफॉर्मेशन टू मी, फिर आपका होगा, ठीक है। चलें, ही हैज इन्फ्लुएंस हिज फ्रेंड्स, यहां एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यहां इन्फ्लुएंस लगाएंगे तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। अगर आप एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और प्रपोजिशन यहां पे नहीं आएगी, नो प्रपोजिशन, यहां पे लिख रहा हूं नो प्रपोजिशन, और इसके साथ प्रपोजिशन आएगी भाई, बस ये समझ लें आप। चलें, जैसे मैंने आपको बताया ना कलर और फेवर, ये मैंने बताया था ना, ये कलर और ये फेवर, ये फेवर, ये कलर, अभी मैंने बताया आपको, ठीक हो गया। चलें, अब आपको ये मैंने सेंटेंस बता रहा हूं, ही इज इन्फॉर्म्ड टू मी, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें हमने लिखा है कि ये वाला सही है, ही हैज इन्फॉर्म्ड मी। इसी तरह ही हैज नो इन्फ्लुएंस, यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन आ रही है, He has influenced his without preposition. He has influenced his friend. He is an influential person. और यहाँ पे insist के साथ on मैंने लगाया है, ये insist है, insist के साथ मैंने on लगाया है। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, जिस हिसाब से जितने मैं रड़ियां कर रहा हूं, रड़ियों को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, सिंधी में तो रड़ियां कहते हैं। चलें भाई, हाँ फार नहीं आएगा, नहीं चीखना, हाँ चीखे मारना। चलें भाई, कंट्रोल, कंट्रोल, ही हैज नो कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस, तो कंट्रोल एज अ नाउन इस्तेमाल होगा, यहां देखें, ही हैज नो कंट्रोल ऑन, अगर इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ही हैज कंट्रोल्ड इमोशंस, तो यहां पे एज अ वर्ब है, तो वर्ब के साथ आपकी नो प्रपोजिशंस में लगा रहा हूं भाई, देखते जाएं, देखते जाएं। She was controlled by, अगर पैसे में लगाएंगे तो she was controlled by her own emotions, controlled by her own emotions, she has controlled her emotions, she has control on her emotions. केर पढ़ाई तो ताके बुधायो मुखे, ताके मुखे बुधायो, हाँ वर्ब में नो प्रपोजिशन, कोई ना पढ़ाई दो बाबा सही, कोई ना पढ़ाई दो, मेहनत क्यों, स्ट्रगल क्यों, अंग्रेज ही बनो क्या बात, इमोशंस कंट्रोल्ड हर, तो यहां पे एक्टिव है, इमोशंस कंट्रोल्ड हर, यहाँ एक्टिव है, तो शी वाज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस, यहाँ पैसे वाइज है, ये एक्टिव वाइज है, और वो आपका, ये सॉरी, ये आपका एक्टिव वाइज है और ये आपका पैसे वाइज है, आप देखें, इमोशंस कंट्रोल हर, यहाँ एज अ वर्ब है, शी इज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस, इमोशंस हैव कंट्रोल्ड हर, हैव यहाँ पे आपका ये वाला जो कंट्रोल है, इमोशंस हैव, तो यहां हम हैव लगाएंगे, आपका हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, समझ दे जाएं बस, शी हैज बीन कंट्रोल्ड बाय इमोशंस। अच्छा, ही हैज जस्ट नाउ कॉन्टेक्टेड विद मी, टू मी, ऑन मी, नन ऑफ देम, शाबाश, देखूं कौन सा बच्चा मुझे बताता है, सही बताता है, कॉन्टेक्टेड विद, टू, ऑन, शाबाश बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, क्या आएगा, ही हैज जस्ट कॉन्टेक्टेड टू मी, विद मी, ऑन मी, हाँ इधर नीरा, इधर इधर नन ऑफ देम लिखा हुआ है ना, इसलिए आप सारे के सारे कह रहे हैं, अगर ये नहीं होता ना, ये सारे नीले नहीं होते, तो फिर आप कहते विद, जैसे फरा कह रही है, देखें फरा देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, भले आप गलत बताएं लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, भले आप गलत बताएं लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हो तो जबरदस्त हो जाए, ही हैज कॉन्टेक्टेड मी, नो प्रपोजिशन, लेकिन कुछ मैंने दो लोग देखे हैं फेसबुक पे लिखते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट एट गिवन नंबर, कॉन्टेक्ट एट नहीं होगा भाई, कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर इज अ वर्ब होगा ना, तो प्रपोजिशन नहीं लेगा, अभी क्या मैं आपको बताऊं, ऑप्शन में ये नहीं हो तो क्या करें, तो उसको जो है ना पत्थर उठा के मारें, अगर ऑप्शन में ना हो तो छोटा सा पत्थर उठाएं, इतना छोटा सा जो बस उस पेपर पे वो बना देगा नन ऑफ देम, ऐसा सवाल नहीं आएगा भाई, ऐसा सवाल नहीं आएगा, समझ जाएं आप, तो वो ऐसा सवाल नहीं देगा, चर्या होगा ऐसा सवाल देगा, बच्चे कहते हैं कि नहीं आए, नहीं आए तो फिर तो आपका नसीब है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, उसको लिख के देना कि भाई इसमें नन ऑफ देम आना चाहिए,
ऐसा हाल था। चलें भाई, अल्लाह करे सही हो जाए एसपीएस में। यहां देख कॉन्ट्रैक्टेड फार, हाँ ये हो सकता है। अब देखें इंटरेस्ट के साथ एन लगाया, मैंने आपको पहले बताया, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिकेप कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के साथ एन आ रहा है, ही इज नो इंटरेस्ट इन, ही इज नो इंटरेस्ट इन, ही इज इंटरेस्टेड इन, ही, देखें यहाँ पे ही इज नो इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका ये वर्ब है या नाउन है, शाबाश बताएं। ही हैज नो इंटरेस्ट इन, हाँ बेनिफिशियल तो है ना, इस तरह किस तरह हो सकता है कि रशीद की क्लास बेनिफिशियल ना हो। चलें, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, देखें बड़ा जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं आपको। तो ही हिज इंटरेक्शन विद फैमिली इज अमेजिंग, इंटरेक्शन विद आपका प्रेपोजिशन लेगा, हिज इंटरेक्शन विद, माई इंटरेक्शन विद यू, टू यू नहीं होगा, फॉर यू नहीं होगा, विद यू, माई इंटरेक्शन विद यू इज अमेजिंग, योर इंटरेक्शन विद द टीचर इज सुपर्ब, ठीक है। तो इस तरह इंटरेक्शन के साथ विद लगाएंगे। अगर आप इन्फीरियर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ही इज इन्फीरियर टू प्रेपोजिशन लगाएंगे, नोट करें। टू, आप कह रहे हैं कि सुपीरियर है, इन्फीरियर माना कमतर, सुपीरियर माना बदतर, बेहतर कमतर, बेहतर कमतर, तो इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, इसी तरह जूनियर टू, लेकिन उधर प्रेपोजिशन, हाँ इंटरेस्ट फॉर रिलीजन सही है, लेकिन उधर प्रेपोजिशन जो आपका आएगा ना, वो देन भी आएगा, फ्रॉम भी आएगा, टू भी आएगा, समझ जाएं। जूनियर देन नहीं हो सकता ऐसा बेटा, जूनियर देन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी गलती में भी, मतलब गलती भी तहा क्यामत तक नहीं होगा, क्यामत भी आ जाए ना तो आपका देन नहीं होगा। बस ये आप नोट कर लें कि ये कोई पत्थर पे आप लिख लें कि सर रशीद ने बताया था, समझते जाएं। इसी तरह सीनियर के साथ टू आएगा, जैसे मैं अपने नाम से लिखता हूं रशीद सीनियर, हाँ रशीद सीनियर, क्योंकि दूसरा भी रशीद है तो इसलिए मैं सीनियर अपना नाम कहता हूँ, वैसे तो मैं सीनियर नहीं हूं लेकिन रशीद सीनियर में लिखता हूँ। प्रेफेयर्स, प्रेफेयर्स भी प्रेपोजिशन आपका टू लेगा, ही प्रेफेयर्स हिज सिस्टर टू हिज ब्रादर, ही प्रेफेयर्स हिज सिस्टर टू हिज ब्रादर, टू मतलब इसकी मीनिंग क्या है, ही प्रेफेयर्स हिज सिस्टर टू हिज ब्रादर, तो इसका क्या मकसद है, ही प्रेफेयर्स हिज सिस्टर, अब ब्रादर को प्रेफर करता है या सिस्टर को करता है, ब्रदर को प्रेफर करता है या सिस्टर को करता है, ये मुझे बताएं। टू की वजह से मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, इसको समझना है आपको। हाँ ब्रदर को करता है, नादिया कह रही है, किरण कह रही हैं कि सिस्टर को, किरण कह रही हैं, किरण फरा ब्रादर, फरा ब्रादर कह रही हैं, नादिया ब्रादर कह रही हैं, बाकी सारे सिस्टर वाले। चलें भाई अब देखें प्रेफेयर्स, प्रेफेयर के साथ जो नजदीक वाला वर्ड आए ना वो उसको ही करता है, आई प्रेफेयर हिम माना इसको ही करता हूं, टू लगाऊंगा उसके, प्रेफेयर हिम टू हिज ब्रादर, तो ब्रादर को नहीं करता इसको करता हूं। इसी तरह माय मदर प्रेफेयर्स मी, प्रेफेयर्स मी टू माय ब्रादर्स, जो मेरे भाई हैं उनसे ज्यादा मेरी अम्मी मुझे पसंद करती, करना भी चाहिए, हाँ ओवर भी लगाते हैं लेकिन प्रेपोजिशन फिक्स, प्रेपोजिशंस टू है, ठीक हो गया। हाँ प्रेपोजिशंस ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस टू हैं, टू प्रेपोजिशन, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफर टू। इसी तरह रेफर, रेफर माय स्टूडेंट्स टू सर मोहसिन, रेफर समबडी टू, रेफर आप डॉक्टर होता है ना जो पैसे लेते हैं, मतलब आपकी पर्ची लिखेंगे तो वो लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस लिखते हैं कि रेफरेंस फलां डॉक्टर, डॉक्टर तो आपको कहेगा कि फलां के पास जाओ तो वो टू करेगा ही, आई हैव रेफर्ड हिम टू अ डॉक्टर, टू प्रेपोजिशंस लेगा, समझते जाएं। दोबारा ये देखें, दोबारा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये प्रेपोजिशंस, फिर आप मुझे मैसेज करेंगे कि कल मेरा टेस्ट है सर प्रेपोजिशंस तो बताओ, अब एक दिन में एक रात में प्रेपोजिशंस आ जाएगी क्या, नहीं आएगी।
इंडल्ज इन बेड, मुबतला होना, इंडल्ज माना किसी में मुबतला होना, इन बेड कंपनी, ही इज इंडल्ज इन बेड कंपनी। अगर कोई केस वगैरह हो, केस वगैरह हो, एफआईआर तक जाए तो इन्वॉल्व लव इस्तेमाल होगा। अगर ये हल्का फुल्का कोई मसला हो, कोई कंपनी है, कोई मतलब खराब काम करता है तो इंडल्ज इन बिहेवियर है, इंडल्ज इन बेड कंपनी, इंडल्ज इन बेड बिहेवियर, इन्वॉल्व नहीं होगा। इन्वॉल्व लगाएंगे तो केस में होगा, बात समझ आ रही है? देखिए अगर कोई बड़ा केस होता है, मर्डर है, कत्ल है, आप चोरी है, डकैती है, तो इन्वॉल्व। अगर लेकिन थोड़े बहुत मतलब मसले होते हैं ना, बच्चे बुरी कंपनी में चले जाते हैं या समथिंग लाइक दिस, तो हम इंडल्ज, तबीयत खराब, बिहेवियर अच्छी ना हो, बात करने का तरीका गंदा हो, खराब हो, तो इंडल्जेंट। डिफरेंट के साथ आपकी प्रेपोजिशन फ्रॉम आएगी और ज्यादातर वो आपको देन भी देंगे, हाँ आदत बुरी हो तो। डिफरेंट हमेशा प्रेपोजिशन, ये जो है हमेशा आपकी प्रेपोजिशन फ्रॉम लेगी, ठीक हो गया? चलें भाई आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था आर्डर के साथ, ये इज आर्डर टी, इसमें प्रपोजिशंस नहीं आएगी। ही हैज आर्डर्ड अ मोबाइल, और अगर इसमें वर्ब लगाएंगे तो प्रपोजिशंस फॉर आएगी आपकी। ही हैज गिवन एन आर्डर फॉर अ टी, ही हैज गिवन आर्डर फॉर टी, अ नहीं आएगा, फॉर अ टी नहीं आएगा, या फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क, फॉर अ ग्लास ऑफ जूस, या फॉर जूस, अ नहीं आएगा। ग्लास कहेंगे तो अ आएगा, बगैर ग्लास के कोई भी लिक्विड चीज हो, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह वी हैव डिस्कस्ड द मैटर, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यहां मैंने लिखा है। डिप्राइव के साथ आपका प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, लिख लिया है, यहां भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह डिवोट के साथ भी आपका प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, इंजुरियस के साथ भी आपका ऑफ आएगा, अक्यूज के साथ भी आपका ऑफ आएगा, गिल्टी के साथ भी आपका ऑफ आएगा, और अपोलोजाइज के साथ टू आएगा। अब यहां बात समझने वाली है, यहां जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ही इज अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज यहां आपका ये टू आएगा, अपोलोजाइज टू मी, और फार यहां पे फार आएगा, यहां पे आप लगाएंगे टू, मैं यहां लिख रहा हूं, ही हैज अपोलोजाइज टू, और यहां पे हम लगाएंगे फार हिज। देखें दो प्रेपोजिशन, कभी कभी आपकी दो प्रेपोजिशन भी आते हैं, मगर अगर आप किसी को नौकरी नहीं देनी ना, लगता है ऐसे कि उनसे उनके घर से जा रही है नौकरी, मतलब लगता है कि उनके घर से जा रही है, वो भाई दे देना, तो फिर वो दोबारा रीएडवर्टाइजमेंट करते हैं, रीएडवर्टाइजमेंट करते हैं, नो कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, नो सुइटेबल कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड, द वैकेंसीज विल बी रीएडवर्टाइज, जो घर से जा रही है, ओ भाई दे दो 40-50 में पास कर दो, गरीब दुआ करेगा आपको। तो उसमें दो प्रेपोजिशन आएंगी, एक टू बी, फार बी, विद बी, फार बी, या नन ऑफ देम, इस तरह आपका आएगा। तो आपको समझना चाहिए अपोलोजाइज टू मी, फार माई बिहेवियर, दो प्रेपोजिशन आएगी। एंग्री के साथ हम प्रेपोजिशंस विद लगाएंगे, ही इज एंग्री विद मी एट माय बिहेवियर। चलें भाई यहां पे आते हैं, सेम चीज आपको ऑफ, यहां पे ऑफ, और यहां पे आपका ऑफ। अब इसको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो है टू बी वर्ब आएगा, इज एम आर वाज वर, डिप्राइव के साथ is, am, are, was, were आपका आएगा, और इसमें भी देखें is, am, are, was, were या will भी आपका आएगा, इस तरह is, am, are, was, were या will be, to be आपका आएगा deprive के साथ, और इसी तरह accused के साथ, he was accused of, he is accused of, I am accused of, I will be accused of, तो is, am, are, was, were या will be, इसको टू बी वर्ब कहा जाता है, ये भी मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। चलें भाई अब आते हैं, इसमें मुझे बताएं, आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, डाइड आप विद आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, या नन ऑफ देम। शाबाश, अब थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज होगी, तो हम इसको क्लोज करेंगे भाई। अच्छा जबरदस्त, तो अब इसका मैं बताता हूं आपको, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, डाई फॉर समथिंग, अच्छा डाई फॉर, डाई फॉर समथिंग, ठीक है।
अच्छा, किसी बीमारी वगैरह में कोई बंदा मर जाए तो आपकी प्रेपोजिशंस आएगी डाई ऑफ, तो ऑफ यहां लगाएंगे, तो मैं यहां पे लगा देता हूं डाई ऑफ। हाँ, अगर किसी चीज के लिए मरते हैं, किसी गर्ल के लिए मरते हैं, किसी गाड़ी के लिए मरते हैं, किसी मोबाइल के लिए मरते हैं, या गर्ल के लिए लिखा है बॉय के लिए भी लिखता हूँ, इस तरह ना वो नाराज हो जाए कि गर्ल के लिए खाली क्यों लिखा है, बॉय के लिए भी लिखे। अगर कोई गर्ल किसी बॉय के लिए मरती है या कोई बॉय किसी गर्ल के लिए मरता है तो फार आएगा, मरता नहीं, वो उस तरह नहीं जाएगा जो आज की टू में वो समंदर में और क्या कहते हैं रिवर में वो जंप डींदी आ जाए कि माई भाई मरी वेंदो आ, राहुल जो मर जाता है वो इस तरह नहीं। वो मरना का मकसद होता है कि जो है अपना उसको चाहिए, उसको वो चाहिए, वो मरने वाला नहीं है जो चले जाते हैं कुछ बच्चे, वो अलग है। चले भाई, तो ओपन द बुक यहां पे क्या आएगा, ओपन द बुक। अच्छा, एट, ओपन द बुक क्या आएगा भाई, आन। अच्छा, आन आएगा, आन आएगा, सही सही सही। लिसनिंग नहीं आ रही, स्लाइड शो नहीं हो रही भाई, फराह तनवीर को, फराह को नहीं हो रही, सबको हो रही है, पता नहीं क्या मसला है। तो चलें चलें, अब यहाँ पे आते हैं, नन ऑफ देम कह रहा है, एक बच्चा जबरदस्त रोमा कह रही है नन ऑफ देम, बाकी सारे के सारे कह रहे हैं कि आन आएगा, शाबाश। तो सारे के सारे गलत हैं, देखें ये एग्जैक्ट पेज है ना, ये एग्जैक्ट पेज है ना, तो बेटा ये एग्जैक्ट पेज एट आएगा, एट पेज नंबर एट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एट पेज नंबर, उसके बाद गेट रिड फ्रॉम ऑफ या क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, गेट रिड क्या आएगा भाई, शाबाश, गेट रिड, गेट रिड, अच्छा ये आएगा, जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये वाला ऑफ आएगा भाई, गेट रिड ऑफ, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, डिस्पोज के साथ ये आएगा, ये आएगा, एट आएगा, नन ऑफ देम, डिस्पोज, डबल ऑफ, जोएम कह रहे हैं डबल ऑफ, जबरदस्त, वेरी गुड। फेरोज भाई एक कह रहे हैं, एक वाले रवीना, डबल ऑफ, जबरदस्त, डबल ऑफ, सिंगल ऑफ, डबल ऑफ, जोहेब, किरण, रवीना, जोहेब, किरण, रवीना, ये तीन लोगों को नाम याद कर रही है, तीन लोगों ने डबल ऑफ कहा है, और ये नजर ने भी डबल ऑफ, चार हो गए, जबरदस्त, चार हो गए, चार हो गए, गेट रिट ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ, हाँ डिस्पोज ऑफ की बात चल रही है, ऑफ डिस्पोज वाला भाई, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ की बात चल रही है। हाँ, तो वो तीनों जो भी थे ना, वो तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह गलत हैं, तीनों के तीनों गलत हैं भाई। तो इसमें डिस्पोज के साथ एक ऑफ आता है, डबल ऑफ नहीं आता, माशाल्लाह, तीनों के तीनों गलत हैं, जो वो तीन थे ना जिनके मैंने नाम उठाए, तो इसमें एक ऑफ आएगा, डबल ऑफ नहीं आएगा, सॉरी। तो ये अपना एडिशनल सेशन जज में ये सवाल आया था, 20वें ग्रेड की नौकरी होती है, 3 लाख तनख्वाह है, उसमें ये डिस्पोज ऑफ सवाल आया था, 3 लाख, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, पुलिस वाला भी है, बंगला भी है, पावर भी है, दहशत भी है, और ये वाला सवाल डिस्पोज ऑफ, लोग डबल ऑफ लगा के। चलें भाई, व्हाट इज टाइम, इन आएगा, एट आएगा, बाय आएगा, नन ऑफ देम, व्हाट इज टाइम, शाबाश, व्हाट इज टाइम, इन योर वॉच, एट योर वॉच, बाय योर वॉच। आप लोगों ने शायद, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ी नहीं है, बस नींद से उठ के आ गए, सर बस अंग्रेजी पढ़ाए हमें, ओ भाई कुछ तो किया होगा अपनी जिंदगी में। तो भाई इसमें आपका आएगा अल्हम्दुलिल्लाह बाय आएगा, इसमें बाय आएगा, बाय। चले, ही हैज बीन टू लंडन, फॉर लंडन, एट लंडन, या नन ऑफ देम, गलत पढ़ा है, पढ़ा है पर गलत पढ़ा है। He has been to London, for London, eight London, या none of them, शाबाश। अच्छे बच्चे, मेरे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, मैं आप लोगों को प्रेपोजिशंस पढ़ा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आज के बाद गलती नहीं करेंगे। तो भाई he has been, आपका होता है to London, he has been to London, he has been to London, याद करें।
He has been to London. सारे कहें he has been to London. He has been to London. सारे कहें, सारे मिलके कहें, क्या बात, आवाज ही बंद है कैसे कहेंगे? चलें भाई, वेरी गुड सर। ऐसी आवाज बंद होनी चाहिए आप लोगों की। हाँ, क्लास होती ना तो क्लास में आप रड़ियां करते सारे। अच्छा है कि आवाज बंद है आप लोगों की। हाँ, खामोशी है ना, अच्छा है। तो टू आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा ही हैज बीन टू लंदन। ठीक है, अम्मी के भी सर में दर्द किया होगा, तो अभी 1 घंटा अम्मी मजे करेगी कि चलें भाई आप सर को सुन लो। ही हैज अराइव्ड इन एट टू या नन ऑफ देम। ही हैज अराइव्ड इन एट या टू, क्या आएगा? ये प्रपोजिशंस आती हैं जो पढ़ा रहा हूं आपको। एट इन टू, समझ नहीं आया सर, समझ नहीं, अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे, अल्लाह दुआ करे आयशा के लिए समझ आ जाए। ही हैज अराइव्ड, पहुंचा है कराची। नादिया कह रही है कि एट आएगा। हाँ, टू लंदन समझ नहीं आया, टू लंदन समझ नहीं आया कि वो लंदन होके आया है, वो लंदन होके आया है, इसका मकसद ये है। ही हैज बीन टू लंदन माना ही हैज गॉन टू लंदन, लंदन उसने घूमा है, ये मीनिंग है बस बेटा। चलें भाई, ये देखें, अगर बड़ा कोई शहर होगा ना, अगर आप बड़ा कोई शहर होगा तो उसके लिए आप इन लगाएंगे। देखें यहाँ तो इसमें आपका आएगा इन, कोई भी बड़ा शहर, लेकिन उस शहर में कोई भी छोटा सा इलाका है, कोई भी छोटा सा इलाका है, जैसे रेलवे स्टेशन है, कैंट स्टेशन है, रोड़ी स्टेशन है, तो उसके लिए एट होगा भाई। देख लें, देख लें, समझ आ गया? कोई भी छोटा सा इलाका है, एट रेलवे, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन। ही हैज अराइव्ड एट, ही हैज अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन, एट एकेडमी, एट सेंटर, एट ओशियन मॉल। एट मतलब एट आएगा बस। अब मैं क्या आपको कहूँ। तो ये थी क्लास आज हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, ऑल ऑफ यू हैव अ गुड टाइम।